असलामुअलैकुम भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं छत पे आया हूँ तो आज यार काफ़ी बड़े दिन बाद एक अच्छी न्यूज़ मिली हमें। तो अली भाई ने वो न्यूज़ सुनाई है। तो दोस्तों, मैं अभी तकरीबन घंटा पहले छत पे आया था, क्योंकि आपको पता है मैं जब छत पे आता हूँ तो फिर मुर्गियों वगैरह को आके देखता हूँ। लेकिन दोस्तों, आज आके अली भाई ने एक बड़े ही ज़बरदस्त खुशखबरी दी है। वो दोस्तों ये है कि हमारी सील मुर्गी दोस्तों कुड़क हो चुकी है, जो ब्लैक वाली थी। तो अली भाई ने बताया कि वो अंडा देने गई हुई थी वहाँ पे, जहाँ पे दोस्तों वो अंडा देती है यहाँ पे, तो वो वहीं पे जाके बैठ गई सुबह की, वहीं पे बैठी हुई है। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने कहा था कि अंडे वहीं पे रहने दें भाई, और ये आप ही जाके उन अंडों को दे के कुड़क हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही हुआ माशाल्लाह, और आज हमारी मुर्गी दोस्तों अंडों पर बैठ चुकी है, सुबह की बैठी हुई है। अभी अभी यहाँ आई थी यहाँ पर, दाना वगैरह खा के फिर वापस चली गई है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो लास्ट तक देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वो मैं आपको मुर्गी दिखाता हूँ, अभी अभी आई थी जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, और दाना वगैरह खा के वो वापस वहीं पर जाके बैठ चुकी है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ, और उसको दोस्तों अंडे भी देखते हैं कि उसके नीचे कितने अंडे रखे हुए हैं। तकरीबन लास्ट टाइम 7 अंडे थे शायद, मुझे याद नहीं सही तरीके से। तो अब देखते हैं दोस्तों के कितने अंडे हैं उसके नीचे पड़े हुए। और ये रही दोस्तों हमारी मुर्गी, ये देखें माशाल्लाह, ये रही, ये शायद आपको आवाज़ भी आ रही हो, तो चले मैं आपको दिखाता हूँ कि दोस्तों हमारी मुर्गी ये बैठी हुई है, ये देखें माशाल्लाह। और इसकी आवाज़, ये देखें इसकी आवाज़ से आपको पता चल जाएगा कि ये दोस्तों कुड़क हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह दोस्तों, ये अंडों पर बैठ चुकी है, सुबह की बैठी हुई है। और तो चले इसके नीचे देखते हैं दोस्तों कितने अंडे हैं, मुझे भी नहीं पता कितने, क्योंकि लास्ट टाइम शायद 7 थे। और ये एक मिनट जाना, ये दोस्तों 9 अंडे हैं इसके नीचे माशाल्लाह। तो शायद ये इसने और भी दिए हैं यहाँ पे। तो एक अंडा दोस्तों आज ही दिया, आज देखे यहीं पे बैठ गई थी, और माशाल्लाह ये देखें एक देसी मुर्गी का अंडा। और एक दोस्तों बता दिया अलबी ने कि एक देसी मुर्गी का अंडा, बाकी सारे इसी के अंडे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अपने नीचे कर रही दोस्तों ये अंडे, और ये कुड़क हो चुकी है। ये देखें, आप लोगों ने कहा था कि भाई आप इस अंडे यहीं पर रख दें सारे के सारे, और इंशाल्लाह ये कुड़क हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों के कहने पर मैंने ऐसे किया, और ये देखें माशाल्लाह कुड़क होगी। लेकिन पिछली बारी नहीं हुई थी, तो हो सकता है यही वजह हो। तो बस इसी तरीके से दोस्तों मुझे कमेंट्स कर दिया करें, ताकि मुझे हेल्प मिलती रहे। तो आप लोगों के कमेंट्स से दोस्तों ये देखें मुझे पता चल गया कि माशाल्लाह मुकम्मल तौर पे अब यहाँ पे कुड़क हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल इसको हमने दोस्तों मुझे कमेंट्स कर दिया करें कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करें, ताकि दोस्तों जो मैं काम गलत कर रहा हूँ या फिर सही नहीं आपकी नज़र में होगा, तो उसको हम ठीक कर दें दोस्तों, ठीक है। तो माशाल्लाह मुर्गी तो दोस्तों हमारी कुड़क हो चुकी है यहाँ पर। तो दोस्तों अब मुर्गी तो हमारी वहाँ पे जाके बैठ चुकी है, तो अगर हम इसको यहीं पे बैठे रहने देंगे तो दोस्तों रात के टाइम ये ना हो कि बिल्ली आके इस पर हमला कर दे, तो हमें एहतियाती तदाबीर करनी होगी इसको, या फिर दोस्तों एक दिन के लिए हम मुकम्मल यहीं पे बैठे रहने देते हैं, ताकि ये मुकम्मल तौर पर कुड़क हो जाए। अगर हम जहाँ पर भी उठाएँ फिर ये बैठ जाए, तो फिर उसके बाद आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है दोस्तों कि किस केज में हम इसे बैठाएँ। एक तो लोहे वाला केज है जो आपको पता है, और एक लकड़ी वाला है। तो इन दो केजों में से आपने बताना है कि किस में बिठाया, ताकि इसको एक दिन पहले मुकम्मल तौर पे कुड़क करते हैं, ताकि दूसरी जगह अगर हम इसे शिफ्ट करें तो ये आराम से जाके बैठ जाए। अगर हम इसको अभी करेंगे तो दोस्तों हो सकता है फिर ये ना बैठे, तो ये मुझे आपने लाजमी बताना। दोस्तों मुझे तो काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि अचानक से मुझे आज सरप्राइज़ मिल गया है। माशाल्लाह मुर्गी अंडा देने गई थी दोस्तों, और वहीं पर जाके बैठ गई अंडों को देख के, वहाँ पर पहले से अंडे पड़े हुए थे और उसने अंडा दिया, और वहीं पर जाके माशाल्लाह बैठ गई है। तो देखिए अगर हम इसको रात में इधर ही रहने देंगे तो खुला है बिल्कुल, बिल्ली भी आ सकती है, तो खतरा है यहाँ पे। तो इसलिए दोस्तों इसको यहाँ पे पहले कुड़क करना पड़ेगा एक दिन के लिए, और उसके बाद फिर ये दो केजीज हैं, आपने बताना है कि किस में हम इसको बिठाएं। मेरा इरादा दोस्तों इसमें लोहे वाला जो है, क्योंकि ये काफ़ी खुला भी है, तो ये काफ़ी थोड़ा सा बंद है पिंजरा, तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों इस वाले में बिठाएँ, तो आपने भी मुझे गाइड करना थोड़ा सा। ये तो हमारी खुशी की खबर होगी आज की हमारी दोस्तों, माशाल्लाह मुर्गी कुड़क हो चुकी है। तो पिजन्स खुले हुए, शाम का टाइम है दोस्तों, सानों को दाना पानी करना है, तो इनको तो मैं अली भाई यहीं पे इनको करेंगे। तो आपको दोस्तों एवरी की जाके कुछ अपडेट्स देनी है, वो चले मैं आपको देता हूँ जाके नीचे। तो चलते हैं दोस्तों नीचे, और आपको अपडेट्स देनी है डायमंड हब्स वगैरह की। तो चलें दोस्तों एवरी में जाते हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या अपडेट्स हैं। जी दोस्तों एवरी के पास आ चुके हैं। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ, ये जो दोस्तों हमारा बजीज का पेयर है, जो बच्चों में से निकला था, आपस में शायद बहन भाई हैं ये, तो इस मटकी में से दोस्तों निकला था माशाल्लाह, इसका पेड़ लग चुका है। ये देखें, देख रहे हैं दोस्तों कैसे बैठे हुए, ये देखें माशाल्लाह। तो इनका भी दोस्तों पेड़ लग चुका है, और हमारे कुछ डायमंड हब्स मैं आपको बताता हूँ कि डायमंड हब्स यार काफ़ी खुशी हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो डायमंड हब्स है ना,
जो एक तो ये वाली टोकरी में बैठी है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद बताया था। तो ये देखें दोस्तों, एक माशाल्लाह ये देखें, एक इसमें बैठी हुई है यहाँ पे, ये रही, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, एक हमारी डायमंड अब यहाँ पे बैठी हुई है और दूसरी यहाँ पे बैठी हुई है, ये देखें ये रही माशाल्लाह, ये देखें। तो अब मुझे कंफर्म नहीं है कि यार इन्होंने अभी अंडा दिया या नहीं दिया, तो मैं अब अंदर भी नहीं जा रहा, मैं अगर मेरा चक्कर लगा या चलें यार देख ही लेते हैं अंदर जाके कि क्या दोस्तों उन्होंने अंडा दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। बाकी हमारी जो केज वाली डायमंड है उसने अभी मुझे नहीं लग रहा अंडा दिया क्योंकि वो बैठी हुई नहीं है दोस्तों। और आपको अंदर चल के एक चीज़ बतानी है, बड़ी मज़ेदार है, तो मैं आपको बताता हूँ। चलें दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं जाके कि हमें क्या खुशखबरी मिलती है कि नहीं मिलती। हमारी डायमंड है बैटरी थी अपने नेस्ट में, ये देखें माशाल्लाह, एक तो ये बैठी हुई है ये रही। अगर दोस्तों उन्हें अंडे दिए हुए हुए तो हम फिर क्या करेंगे, इस बुलबुल को उठा लेंगे यहाँ से, तो ये ना हो कि ये अंडे फिर से दोबारा से खा ले, ठीक है। तो इसको मैं निकाल दूंगा। तो ये देखें दोस्तों माशाल्लाह ये बैठी हुई हमारी डायमंड डब की फीमेल, एक मिनट जरा, ये देखें आप देख रहे हैं ये कैसे मार रही है इसे जाके। तो इसी को हटाने के लिए मैंने इसको फिर इधर एवरी से रिमूव कर देना है। तो इसको दोस्तों पहले देखते हैं माशाल्लाह, ये देखें हमारी डायमंड डब की फीमेल बैठी हुई यहाँ पर बड़े मज़े से, वो यार ये मार रही है इसको, मैं पकड़ता हूँ पहले ऊपर वाली को देख लेते हैं और इसने अंडा दिया या नहीं दिया। दोस्तों इसने अभी अंडा नहीं दिया लेकिन इस बुलबुल को, ये बुलबुल मार रही है इसे, ये देखें चली गई। तो इस फीमेल को देख लेते हैं कि क्या इसने अंडा दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। तो ओ यार ये देखें कैसे मार रही है मुझे, तो देखते हैं दोस्तों। नहीं दोस्तों अभी इसने भी कोई अंडा नहीं दिया, ये मुझे काट रही है, मैं इधर से ही इसको आराम से केज के अंदर लेके चला जाता हूँ। ओ यार उड़ गई। तो दोस्तों मैं इसको अभी केज में बंद कर देता हूँ, ये ना हो कि ये अंडे दें और हमारे अंडे पता भी ना चले हमें और ये खा भी जाए। तो इसको मैं चले पकड़ता हूँ यहाँ से और इसको मैं केज में बंद कर देता हूँ, ये भागी है यहाँ पे से। तो चलें मैं पहले इसको पकड़ के केज में बंद करता हूँ वरना दोस्तों ये मुझे वीडियो भी नहीं बनाने देगी। तो बड़ी मुश्किल से दोस्तों मैंने इसको बंद कर दिया वरना ये मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही थी। तो दोस्तों इन्होंने अभी तक अंडे नहीं दिए, इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ये आजकल में अंडे दे देंगे। जिस तरीके से देखें बैठी हुई है उड़ भी नहीं रही, वरना जो ये वाली फीमेल थी दोस्तों ये तो डर के मारे उड़ ही जाती थी। ये भी माशाल्लाह बैठी हुई अपने नेस्ट में और ये वाली भी अपने नेस्ट में बैठी हुई और अलहदा अलहदा बैठी हुई है। देखें थोड़ा सा ही फासला है इनके नेस्ट पर, एक ये है और एक ये है। और बाकी हमारी केज वाली अभी उसने मुझे नहीं लग रहा अंडा दिया। तो जो मज़ेदार चीज़ है दोस्तों दिखाने वाली वो ये है कि मैंने दोस्तों यहाँ पे ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया इनका लिए नेस्ट फिंचीज़ का। तो इन्होंने मैंने लगाया ही था कि सुबह सुबह आके देखा माशाल्लाह इन्होंने सारी नेस्टिंग कर, और यहाँ पे जो नेस्ट बनाया हुआ था दोस्तों इन्होंने मैंने आपको बताया भी था भर के बनाया था। ये नेस्ट है दोस्तों इनका और सारी की सारी नेस्टिंग उठा के देखें ये अंदर ले गई हमारी फिंचीज़। और देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पर अंडे दिए हैं या नहीं दिए। तो मुझे अब दोस्तों लग रहा है कि ये अंडे दे देंगे यहाँ पर क्योंकि ये देखें अभी अंडा नहीं है लेकिन उन्होंने सारी नेस्टिंग कंप्लीट की हुई। देखें जो पर वगैरह होते हैं वो भी माशाल्लाह इसमें सारे के सारे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों इस दफ़ा ये नेस्ट बना ले अंडे दे देंगे क्योंकि पहले मुझे लगा इन्हें सही तरीके से कोई जगह नहीं मिल रही थी अंडे देने के लिए। तो इसको मैं वापस लगा देता हूँ। और हमारा यार ये जो जब से दोस्तों मैंने शीट हटाई है तो ये हमारा जो जांगुच है ये इधर ही बैठा रहता है और ये यहीं पर बैठा रहता है, बेचारा डरता रहता है क्योंकि शीट हटाई ना दोस्तों जब से मैंने, तो ये बेचारे थोड़े से कन्फ्यूज़ होंगे कि क्या चीज़ आ गई क्योंकि इनको चीले वगैरह सब कुछ खुला नज़र आ रहा है। तो बटेरों को तो दोस्तों हमने पहली दफ़ा जब से शीट हटाई है ये पहली दफ़ा यहाँ पे है। बाकी परिंदे हमारे सारे रिलैक्स हैं क्योंकि इन्हें पता था कि एक दफ़ा ये शीट हटेगी क्योंकि ये पहले भी यहाँ पे रह चुके हैं। इस पर वापस आ चुका हूँ और सारों को अलहमदिल्ला देखें ढक चुके हैं हम यहाँ पर। तो बाकी दोस्तों आपने माशाल्लाह हमारी मुर्गी कुड़क हो गई है तो यार काफ़ी अच्छी न्यूज़ मिल गई हमें। तो बाकी दोस्तों आपने मुझे बताना है कि इन दो केज में बैठाएँ ये जो लकड़ी वाले हैं ना यहाँ पे ये वाला और वो वाला, तो आप बताएं कि इन दोनों में बिठाएं या फिर इसमें बिठा दें हमारे कबूतरों वाले केज में, किस तरीके से बिठाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों हम रखेंगे तशला या फिर किसी तरीके से कोई जुगाड़ लगाएंगे, इसमें बिठा देंगे मुर्गी को कबूतरों वाले केज में, उसके ऊपर से कोई चीज़ ढक देंगे ताकि मुर्गी बाहर भी ना आ सके और हमारे कबूतरों को परेशान ना कर सके। तो ये दोस्तों आपने मुझे लाजमी बताना, बाकी मेरा इरादा दोस्तों पहले ये था कि मैं यहाँ पे रख दूँ लेकिन अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे फिर देसी मुर्गियाँ किधर जाएंगी, तो ये काफ़ी टेंशन है। मैं उधर भी नहीं रख सकता पीछे वाली साइड पे क्योंकि वो मुर्गा इन्हें नहरे नहीं देगा। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कबूतरों वाली साइड पे कि इनको रख दें, तो आपने मुझे लाजमी बताना है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी।
अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मिलेंगे दोस्तों इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़। मैं भी नीचे जा रहा हूँ।